आपको प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी थी, फर्स्ट ईयर के साथ से या फिर ग्रेजुएशन के पूरा होने के बाद? देवांश ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि लॉ की मतलब आरजेएस बनने के लिए उसे शुरुआत कब करनी चाहिए, मान लो एलएलबी में करें या कंप्लीट करने के बाद करें। देखो क्या है, बीए एलएलबी में आपने एडमिशन कहीं ले रखा है तो यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि उनके बार काउंसिल ने अटेंडेंस का सिस्टम बना रखा है, तो अटेंडेंस की वजह से वो नहीं चाहती कि चाहे पढ़ाए नहीं वो कुछ, वो विभिन्न प्रकार के अन्य कामों में लगाए रखते हैं। काम जैसे कि ये प्रोजेक्ट करो, विभिन्न प्रकार के टॉपिक लिख लिख के प्रोजेक्ट ही दे देंगे, कुछ दे देंगे, कम्प्लीटली टाइम वेस्टिंग मामले हैं। तो स्टूडेंट को नॉलेज तो कुछ होती नहीं है, वो कहीं से नेट से उससे करके वो अपना समय पास कर रहा होता है, टीचर भी कर रहे होते हैं, लेकिन अटेंडेंस के लिए वो ऐसा कर रहे होते हैं। जब स्टूडेंट आता है 5 साल का लॉ करके या 3 साल का लॉ करने के बाद, तो पूरी तरह ब्लैंक होता है, उसे कुछ नहीं आ रहा होता। अभी जैसे एक बच्चा, वो राकेश, थोड़ी देर पहले ही आया था, तो वो कह रहा था कि मेरे सर 82 करेक्ट आंसर है। उसने ले लिया फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन, यहाँ हिंदी मीडियम ही है, पता नहीं कहाँ से लॉ कर रहा है, लेकिन कहाँ बहुत कहीं हल्की फुल्की जगह से ही कर रहा है वो, लेकिन उसने ले लिया पहले ही, तो उसके अच्छा स्कोर कर लिया उसने। तो ये शुरुआत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज जिस हिसाब से कॉलेज अपनी डिग्री को कर रहे हैं, मैं उस पर कोई मार्किंग नहीं करना चाहता, मैं भी ये सब चीज़ें पढ़, 5 ईयर लॉ 3 ईयर लॉ हमारे यहाँ भी होती है, तो इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन जाना जुडिशरी में है तो फिर जुडिशरी के हिसाब से, जुडिशरी के हिसाब से ही तैयारी करनी पड़ेगी। एक सिलेबस दे रखा है हाई कोर्ट ने, उस सिलेबस में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो जितना जल्दी होगा उतना बढ़िया है। कई स्टूडेंट ऐसे हुए जिन्होंने अपने फाइनल ईयर में ही रैंक और टॉपर्स में आ गए वो, तो ऐसा नहीं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे, नहीं, उन्होंने शुरुआत पहले कर रखी थी, तो शुरुआत पहले करनी ही होगी। अब जो बच्चे, अब जैसे हमारे यहाँ पर NLU के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, NLU अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से लॉ करके आए हुए हैं और इस समय तो बहुत हैं, तो वहाँ से लॉ करके आए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि NLU से पढ़ के आया, आते ही वो मजिस्ट्रेट बन जाएगा, RJS क्लियर होगा, ऐसा नहीं होगा उसके से। हाँ, थोड़ा तो औरों से अच्छा बेहतर करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा, तो उसे भी टाइम लगेगा, 1.5-2 साल तो उसे भी लगेंगे। तो बेहतर है कि अपना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कहीं ना कहीं ज़रूर शुरू कर देना चाहिए, ज़्यादा लेट होने का कोई मतलब नहीं है। अब मेरे यहाँ वो लड़की पढ़ती थी दिव्या, 3 ईयर लॉ किया उसने, पिछले बार इंटरव्यू दिया, पिछले बार 16 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका LLB की डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन इंटरव्यू कॉल हो गया था, जिनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई इंटरव्यू कॉल हो गया। इस बार वो मजिस्ट्रेट बनेंगे संभवतया, यदि पढ़ रहे हैं प्रॉपर पढ़ रहे हैं तो, मैं ये नहीं कहता कि वो सारे के सारे बन ही जाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट भी हैं, तो चूंकि वो उस स्ट्रीम में ही पढ़ाई कर रहे थे इसलिए इंटरव्यू कॉल हो गया था, इस बार फिर इंटरव्यू देगी, पिछले बार इंटरव्यू दे के आई थी। तो जल्दी ही शुरू करना चाहिए।